अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज सब लोग हम लोग करते हैं स्टार्ट। और गाइस, हम लोगों ने इस कमरे में फाइनली पंखा जो है ना वो स्टार्ट कर लिया है। एसी ना अभी बंद कर दिया, एसी अभी सही करवाना है। तो कंपनी वालों को फ़ोन किया है, वो कभी कहते हैं आज आ रहे हैं, कभी कहते हैं कल आ रहे हैं। तो खैर देखते हैं, वो जब तक आते हैं फिर दोबारा उनको कहते हैं कि इसके अंदर शायद गैस ख़त्म हो गई है, तो गैस भरवा दो हमें एसी के अंदर ना। तो वो खैर खुद ही आएंगे, देख लेंगे। तो और गाइस, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, हमारी डव जो है ना आजकल ये काफ़ी ज़्यादा इधर बैठ रही है, तो माशाल्लाह से अच्छी बात है ये। तो यानी कि दो यहाँ पर बैठी हैं, दो वहाँ पर बैठी हैं, बट इधर कोई नहीं आ रहा है। ये जगह इनको इतनी ख़ास पसंद नहीं आई मेरा ख्याल है। तो यहाँ पर डव तो बैठी हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पर इनके पास कितने कितने अंडे हैं। तो ये हम लोग दरवाज़ा खोल लेंगे। मैंने उस दिन भी चेक किया था, उस दिन यहाँ पर तीन अंडे थे, तीन यहाँ पर थे और एक वहाँ पर था। तो आज यहाँ पर दो बैठी हैं, तो चेक करते हैं। चार अंडे हैं गाइस इनके पास। तो गाइस यहाँ पर चार अंडे हैं। मैंने उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, थोड़ा सा ही हटाया, और वहाँ पर ना दो अंडे पड़े हैं गाइस। दोबारा से बंद कर देते हैं। आई होप कि इस दफ़ा ना इनके जो है ना बच्चे भी हम लोग देख पाएँ, क्योंकि इनके हम लोग अंडे तो देख लेते हैं बट उनमें से बच्चे ना कम ही देख पाते हैं। जावा फिंचेस, तुम लोग के बच्चे बाहर आए कि अभी तक केज में ही हैं? तो गाइस चलो ना आप लोग जाके देखें ना जावा फिंचेस के बच्चे जो है ना वो कितने के बड़े हुए हैं। हाँ के बच्चे हैं। यहाँ पर अंडे तो काफ़ी ज़्यादा थे मगर वो अंडे सारे के सारे ना इनक्यूबेट नहीं थे हुए, तीन चार अंडे ना फिर हम लोगों को फेंकने पड़ गए। तो अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं मुर्गियाँ हमारी क्या पड़ रही है। गाइस मैं ना ऊपर आ गई हूँ, तो हम लोग ऐसा करते हैं अपनी मुर्गियों को बाहर निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए ना। आ जाओ, भाग आओ, भाग कर आओ, भाग कर आओ। अंदर केज में ना सारे बर्ड्स को निकाल देते हैं बाहर, और इनको ना अंदर केज में ना खुला छोड़ते हैं ताकि ये अंदर ना यहाँ पर घूम फिर लें। तो केज ना सारे बर्ड जो हैं वो बाहर चले गए, अब इनको भी निकालते हैं। चलो आ जाओ। और गाइस वाओ, यहाँ पर एक अंडा भी है कोको का। वाओ गाइस, अंडा उठा लेते हैं हम लोग। और मैं सोच रही हूँ कि अंडे को ना हम लोग अब से पिजन्स के नीचे नहीं रखा करेंगे, क्योंकि पिजन के नीचे दो उसके अपने अंडे होते हैं, एक कोको का अंडा या किसी भी मुर्गी का अंडा रख लो तो वो अच्छे से इनको वेट नहीं कर पाते ना तीन अंडे एक साथ। तो या उसका अपना अंडा ख़राब हो जाता है या फिर मुर्गी वाला अंडा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये अंडे ना अब से संभाल के रखने हैं हम लोग। तो या तो इनक्यूबेटर का कुछ करेंगे या फिर कोई क्रुक मुर्गी लेकर आएंगे ताकि वो क्रुक हो और वो अंडे जो है ना हैच करे। अब देखते हैं मुर्गी आते हैं या फिर इनक्यूबेटर आता है। और एज़ यूजुअल टर्की बर्ड जो है ना वो आसमान की बुलंदियों तक पहुँचते हुए कोशिश कर रहा है कि मैं शायद कहीं ऊपर उड़ जाऊँ। वाह सूरज कितना प्यारा लग रहा है। अभी खैर मैं इस अंडे को पहले रख दूँ, फिर उसके बाद यहाँ से पर्दे शर्दे जो है ना वो साइड पर करते हैं। लो मुर्गी जो है ना वो नीचे भाग जाती है फौरन से। जाओ जाओ जाओ, ओहो उसकी ब्रेक ही नहीं लग रही। गाइस मुर्गी का ये चूज़ा ना सीढ़ियों पर ही था, तो मैं इसको नीचे लेकर आई हूँ। मैंने कहा तुम अपने ग्रुप के साथ रहो, ये ना हो ये वहाँ पर अकेला फिरता रहे और इसको कोई आके ना कौवा या चीड़ा आके ले जाए। मैंने यहाँ से सारे जो शीट वगैरह थी ना वो सारी साइड पर कर दी, इस तरफ से फोल्ड करके ना, तो मैंने वहाँ पर रोल करके रख दिया, यानी कि उतार के फोल्ड करके रोल करके वहाँ पर रख दिया। और क्या हो गया, डर क्यों गए हो तुम? यहाँ पर ना मैं पानी भर रही हूँ, पौधों को ना एक्चुअली पानी देना है, वो ना काफ़ी ज़्यादा खुश्क होते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा तुमको थोड़ा सा पानी भी दिया जाए। और आज सुबह गाइस पता क्या हुआ, अचानक ना सरप्राइज़ हमें मिला, इतनी तेज़ बारिश हुई ना सुबह, इतनी तेज़ बारिश हुई ना हमें पता भी नहीं चला कि बारिश आई कब है, वो 10 मिनट ही रही है और चली गई है। ओ ओ ओ ओ गाइस, वहाँ पर इसका चूजा कब आया, बच्चा कब निकला अंडे में से, है शिरोजी वो इसके टाइम पूरा हो गया था। ओ गाइस वहाँ पर देखो उनका छोटा सा चूजा, फर्स्ट टाइम इनका कोई बच्चा चूजा कह रही हूँ मैं कोई कबूतर का बच्चा, यानी कि इस पेयर का ये फर्स्ट टाइम है। अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि ये इसका बच्चा है या फिर
लकी का, क्योंकि हम लोगों ने लकी का भी एक अंडा इसके नीचे रखा था ना, तो अभी हम लोग ना चेक करते हैं कि ये इसका अपना बच्चा है या फिर लकी का बच्चा है। चेक कर लूं मैं, हैं थोड़ा ये काटती भी है आगे से थोड़ा सा, ये देखो अब ये काटना शुरू हो गए। खैर मैं चेक तो करूँगी कि इसका अपना बच्चा है या फिर लकी का बच्चा है, ताकि खुशी जो है ना हमारी डबल हो जाए। ओ गाइस दो निकले हैं, दो आ गए, दोनों निकल गए। काटो मत, ये थोड़ा सा दिखाओ ना। उसने अपने बच्चे को बहुत जोर से चूंच मार दिया। तो गाइस ये देखो हमें सरप्राइज मिल गया, उसने सरप्राइज दे दिया, यानी कि उसने दोनों अपने बच्चे जो है ना वो निकाल लिए। आई थिंक सो कि ये इसका अपना ही बच्चा है, ये लकी का बच्चा नहीं है। वाओ गाइस इसने अपना फाइनली कोई बच्चा निकाला, फाइनली कोई इसका बच्चा अपना आया, वरना तीन चार दफा इसने अंडे दिए, इसके अंडे खराब होते रहे हैं। अभी इसको वापस अंदर रखना है। कैसे कितने क्यूट है ना, कितने क्यूट होते हैं जिसने फर्स्ट डे निकलते हैं। तो अभी हम लोग ने इसको वापस उसके नीचे रखेंगे, मगर अभी मुझे ना डर लग रहा है, वो बहुत जोर से काट रही है, खाने को पड़ रही है आगे से। मैं बच्चे कैसे रखूँ अभी तुम्हारे पास है, साइड पर थोड़ा सा। तो मैं चलो गाइस मैंने वहाँ पर उसका बच्चा जो है ना उसके पास रख दिया। उसने मुझे काटा तो है यार, बट इतनी ज़ोर से नहीं काटा। शुक्र है गाइस इसने तो आज हमें सरप्राइज ही दे दिया, इसने दो बच्चे निकाल लिए हैं। इसके पास थे तीन अंडे, अभी जो एक अंडा है ना अभी पता नहीं वो अंडा ठीक है या ख़राब हो गया, क्योंकि उसने सही तरह से चेक ही नहीं करने दिए, वो आगे से काट रही है। तो वो अंडा देखते हैं कि वो अंडा ठीक है या ख़राब हो गया। और भाई ने मैंने जग के लिए टूटी खोली थी और देखो जग भर गया, मुझे पता ही नहीं चला कि ये मैंने ऑन की हुई है इधर। हाँ जी इसमें ना ये टूटी बंद करके ना, तो फ़ौरन से मैं नीचे चली गई थी। एक्चुअली बाबा मुझे ना नीचे आवाज़ दे रहे थे, और आवाज़ इसलिए दे रहे थे कि हमारी जो मुर्गी है ना वो कभी ऊपर आ रही है कभी नीचे जा रही है, अपने बच्चे लेकर ये भी ऊपर आ गई है। और ये जो बीमार था ना ये बेचारा उधर ही बैठा हुआ था। तो फिर बाबा कहते कि ये क्यों नीचे आया हुआ, मैंने कहा मुर्गी आ गई थी नीचे तो इसीलिए ये भी नीचे आया हुआ। तो गाइस मुझे तो काफ़ी ज़्यादा होप है कि वो ठीक हो जाएगा चूज़ा हमारा ना, ठीक होता है कि नहीं होता। उसको मेडिसिन तो मैं डेली दे रही हूँ। हाँ भाई पानी देना था हम लोग ने, अरू को बुलाते हैं कि ये काम कराने के लिए ना, अरू को कहते हैं मैं ऊपर आए। गाइस मैंने ना अरू को नीचे से बुलाया है। मैं ऐसा करना ये जग मैंने भरा है, ये सारे पौधों को ना थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दो। चलो उठाओ शाबाश, जूता नहीं पहन कर आई तुम। अभी ना हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारी वो जो इंडियन पिजन है ना उसने दूसरा अंडा आज दिया कि नहीं दिया। शिराजी ये क्या हरकतें हैं, नीचे वो बेचारा बैठा था तुमने उसके ऊपर ही पोटी कर दी है। शिराजी गाइस ये बहुत ही ज्यादा डरते हैं, मेरा दिल करता है कि इनको मैं हाथ में ऐसे पकड़ लूं, मगर ये आते ही नहीं है मेरे पास। और माशाल्लाह से इनको मैंने सुबह से ना बाहर निकाला हुआ है। चलो तुम लोग आज बाहर फिर लो ना, फिर इनको ना हम लोग यानी कि शाम को दोबारा से इनके केज में ना बंद कर देंगे हम लोग। तो हाँ भाई इंडियन इंडियन दूसरा अंडा दिया तुमने कि नहीं है। तो गाइस इंडियन के पास दोनों अंडे जो है ना वो आ चुके हैं माशाल्लाह से। और मैंने इसके नीचे ना कोको का अंडा नहीं रखना, क्योंकि फिर ना तीन अंडे हो जाते हैं तो वो अच्छे से इनको बैठ नहीं कर पाते अंडे ना। तो इसको इसके नीचे ना दो ही अंडे रख देते हैं, इसके अपने ही, और इसका ये फर्स्ट क्लच है नए कबूतर के साथ। किधर है नया कबूतर इसका? हाँ ये इसका मेल जो है ना ये नया है, तो ये इसका फर्स्ट क्लच है इसके साथ। तो लेट्स सी कि इसके जो अंडे ना वो अच्छे आते हैं कि नहीं आते, ठीक है आते ठीक है। हाँ भाई इसका तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि इसके दो बच्चे जो है ना वो आ चुके हैं, तीसरा अंडा जो है ना वो इसके नीचे ही है, और ये मुझे बिल्कुल भी हाथ लगाने नहीं दे रही है। बट देखते हैं इसका तीसरा अंडा क्या कर रहा है अभी इस टाइम। जी तो गाइस ये इसका तीसरा अंडा,
जिसके अंदर क्रैक है, बट ये इसका सारा शेल जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्लैक लग रहा है। और मैं इसको ना थोड़ा सा ओपन करके देखती हूँ कि इसके अंदर जो बच्चा है ना वो जिंदा है कि नहीं जिंदा। तो गाइज इसके अंदर जो चूज़ा है ना बच्चा है वो मर गया हुआ है, और इसको अभी उसके नीचे रखने का ना कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बच्चा जो है ना वो मर चुका है। चलो अरु जो है ना अभी इसका ऑपरेशन करेगी बाहर। चलो 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 शाबाश। ओ हाथ से ही छील लो। तो गाइज ये देखो इसके अंदर ना बच्चा प्रॉपर बना हुआ है, बट वो एक दो दिन उसने जैसा बाहर रखा है ना अंडा अपने नीचे नहीं थी रख रही वो, तो उसकी वजह से ना बच्चा जो है ना वो मर गया। बस बाहर निकलने ही वाला था ये। तो चलो अरे इसको दिखनाते हैं क्या।